हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह, सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आप प्ले स्टोर से किस तरीके से किसी भी ऐप्स को आप अपडेट कर पाओगे। मान लो कोई ऐप से नया वर्जन उसको अपडेट करना है, तो कहाँ से करोगे? तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप किस तरीके से सभी को एक एक करके सबको कर सकते हो, और सबको करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो। आज इसकी इसी के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हम आज बता रहे थे कि आज हम बात करें कि आप कोई भी ऐप्स है उसको अपडेट किस तरीके से करेंगे प्ले स्टोर से जाके। मतलब लगभग सभी जानते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जाकर थोड़ा यहाँ से बैक कर लेते हैं, ठीक है, और आप चलते हैं फ्रंट पेज में आ जाते हैं। उसके बाद ये तीन लाइनें हैं जहाँ पर रेड एक डॉट दिख रहा है बिंदी, यहाँ पे ओके करते हैं। इस पे ओके करने के बाद मैं आपको ऊपर की तरफ मई गेम्स, इसके ऊपर ओके करना है। इसके ऊपर ओके करने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ये सभी दिख रहे हैं कि आप इसमें जितने भी हैं सबको अपडेट बोल रहा है, तो आप सबको भी कर सकते हो बाकी अपने हिसाब से। जैसे कि मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम यूट्यूब स्टूडियो को अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ से ये अपडेट हो जाएगा और ये ऊपर ऊपर फ्रंट में दिखेगा आपको। देखिए, ऊपर फ्रंट में दिखने लग जाएगा। ओके, ये दिखेगा और कुछ टाइम बाद ये यहाँ से अपडेट भी हो जाएगा। ये देखिए, इंस्टॉलिंग हो रहा है और इसमें जो भी कोई नया फीचर्स होगा वो हमें दिख जाएगा। देखिए, कुछ टाइम बाद यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ गया। हम स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ओपन, यहाँ पे चलते हैं ओपन में तो हम देख लेते हैं कि इसमें लेटेस्ट अपडेट वर्जन पे कौन सा फीचर्स आया, उसका भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें अभी कोई फीचर्स ऐसा नहीं दिया है उन्होंने, सेम वैसा ही है, ठीक है। बीच से कट करते हैं और प्ले स्टोर पर आते हैं। प्ले स्टोर ने करने के बाद में हमारे पास बहुत सारे हैं तो हम याहू मेल इसको भी अपडेट कर दें। एक बार इसको भी एक बार चेक करा देते हैं आपको कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखें, ये भी शुरू हो गया होगा। ये आपको ऊपर जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ से खींच के तो ये अपन आपको ऊपर ऊपर की तरफ मिल जाएगा। देखो, देखने के लिए ये आपको ऊपर की तरफ मिल गया तो आपको इसको भी कर सकते हो इस तरीके से अपडेट। ये सभी को अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने से फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी अगर ऐप्स को अपडेट करते हो तो उसमें कोई भी अगर नया वर्जन कोई नया फ्यूचर्स देते हैं तो वो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। मान लीजिए फ़ोन पे, अब हम फ़ोन पे अपडेट करेंगे। मान लीजिए फ़ोन पे में अगर कोई नया फ्यूचर्स आया तो आपका ओल्ड वर्जन है तो उसमें आपको सही शो भी नहीं होगा वो फ्यूचर्स और उसका लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे फ्यूचर्स ऐसे होते हैं, ऑफ़र भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फ़ोन में ऑफ़र आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, उदाहरण के आप समझ लीजिए कि उदाहरण के जैसे उसमें बहुत सारे फ्यूचर्स हैं। जैसे पेटीएम है, मान लीजिए पेटीएम ही है तो पेटीएम का भी सेम ही वही है प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा हम स्क्रॉल ऊपर करते हैं तो हमें मिल गया फ़ोन पे। फ़ोन पे को इस तरीके से अपडेट करेंगे और फिर ऊपर की तरफ देखेंगे ये स्क्रॉल करके तो हमें ऊपर की तरफ ये अपडेट होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है तो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट होने के बाद हम चेक कराते हैं कि इसमें अगर पुराना कोई मतलब कोई ऑफ़र है वो हमें मतलब पुराना वर्जन है सॉरी पुराना वर्जन है तो उसमें हमें कोई भी ऑफ़र नहीं दिखेगा। अगर कोई नया ऑफ़र नया वर्जन पे हमें कोई ऑफ़र आता है तो ऊपर की हमें यहाँ नीचे की तरफ हम आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा, ठीक है। सेम मेल का ये भी होता है, अगर कोई मेल अगर मान लीजिए ओल्ड वर्जन है तो मेल कोई सेंड कर रहा है तो क्या पता है हमारे पास मेल नहीं पहुँच रहा तो हमें अपडेट कर लेना चाहिए। अपडेट करेंगे तो हमारे पास सेम तुरंत मेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, बस आने वाला है। यहाँ पर हम फ़ोन पे को ओपन करते हैं और उसके अंदर चलते हैं। ये देखिए आ चुका, ओपन आ गया। ओपन का ऑप्शन हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमें कोई ऑफर अवेलेबल है या नहीं। अगर हमें आप उसी बात ये है कि आप जब अपडेट में आपको कोई फ्यूचर नया अपडेट से देती है कोई भी अगर कंपनी या कोई ऐप्स या कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो वो अपडेट देती है तो उनका पता चल जाता है। अपडेट करने से ही पता लगे, अपडेट नहीं करो तो ऐसे नहीं चलते। ऑफर देखिए यहाँ पे चल रहे हैं बहुत सारे फ्यूचर हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और फोन पे के हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दी है, आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो तो उसमें हमने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप कर सकते हो किस तरीके से आप करोगे इसमें।
तो उसका वीडियो मैंने बना रखा ऑलरेडी फ़ोन पे का, किस तरीके यूज करते हो, किस तरीके से आपको रिचार्ज करना है, बैंक ऐड करना है, सबका हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दूंगा। फेसबुक, ट्विटर सब जगह आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको सभी समझ आए कि इसमें क्या बताया गया, किस तरीके से प्रोसेस किए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर कल मिलते हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।